पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरे देश की निगाहें 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन और आधारशिला रखे जाने पर बनी है। देश प्रदेश में कई धार्मिक स्थलों से मिट्टी और जल भरकर अयोध्या पहुंच चुके हैं और इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के कार्यकर्ताओं ने भी प्रयागराज के कई मंदिरों और मिट्टी और संगम अयोध्या पहुंचे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहित इस पल को बेहद यादगार पल मान रहे हैं। उनका कहना है कि सैकड़ों साल के बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। संगम तट पर मौजूद पंडित ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि उन्हीं के हाथों के द्वारा संगम से मिट्टी और जल इकट्ठा किया गया, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या ले गए हैं। उधर श्रद्धालुओं का भी कहना है कि वो बेहद बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे थे और घरों में 5 अगस्त के दिन दीपावली का पर्व दिया जलाकर मनाएंगे। संगम तट का जायजा लिया और पंडित ब्रजेश त्रिपाठी और श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद आके प्रजा ने। इतिहास के पन्नों में 5 अगस्त का दिन एक बार फिर से दर्ज हुआ, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और राम जन्मभूमि में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। तो ऐसे में पूरे देश की निगाहें 5 अगस्त को है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इसी संगम तट से जल लिया गया है, मिट्टी ली गई है, साथ ही साथ कई और जो धार्मिक स्थल है वहां की भी मिट्टी गई है। बीएचपी जिले आते हैं और 19 जिलों के 41 जो धर्मस्थल है वहां की मिट्टी और जल लिया गया है, उसमें से एक संगम भी है। और प्रयागराज की बात करें तो आलोप शंकरी देवी मंदिर से भी मिट्टी ली गई है, साथ ही साथ अगर हम विंध्याचल की बात करें तो वहां से भी मिट्टी को लिया गया है। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की भी लिया गया है, भदोही के सीतामढ़ी की भी लिया गया है। और हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु भी हैं और पंडित जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये खास पंडित जी हैं क्योंकि आपने मिट्टी को जो है उठा करके दिया है, कहाँ कहाँ की मिट्टी गई है और क्या कहना चाहते हैं, कितना खुशी है आप लोग? हाँ, ये सर मैं ब्रजेश कुमार त्रिपाठी श्रृंगवेरपुर का ही निवासी हूँ और जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जहाँ से पदगमन पैदल ही रथ छोड़ करके जो श्रृंगवेरपुर रथ से गए थे वहाँ से पैदल वनवास की यात्रा किया है, उसी स्थान के मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए वहाँ की मिट्टी राम जन्मभूमि तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और यहाँ महाराज भरद्वाज मुनि के आश्रम से जो प्रयागराज में संगम तट पे स्थित है यहाँ की भी मिट्टी यहाँ से पहुँचाई। के साथ कहा जाता है कि आज कई जन्मों का समझ लीजिए, आज हमारा जन्म कृतार्थ हुआ, मिट्टी वहाँ पहुँचा करके राम जी के लिए सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत खुश है, हमारे यहाँ श्रद्धालु भी हैं। जी आप ये बताइए कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि 5 तारीख को आप लोग का इंतजार है, कितना जी खुशी को शब्दों में तो हम बयां ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी सबकी यही इच्छा थी, सब केवल सुनते थे कि कभी राम मंदिर बनेगा, लेकिन वो समय देखने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत ही गौरव का क्षण है पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर हर विशेष हर धर्म के व्यक्तियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय है। और हम सब चाहेंगे कि हम भी जाके वहाँ कुछ सेवा कर सकें, कुछ दान रूप में वहाँ पहुँचवा सकें। अभी कोरोना संकट की वजह से बहुत से लोग ऐसा चाहते हुए भी नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो 5 तारीख को शायद ही अयोध्या में तिल रखने की भी कहीं पे जगह होती। खुशी है आप लोग बहुत अपार जी, बहुत बहुत अपार खुशी है। सबसे बड़ा दिन मैं तो यही मानूंगा कि हम सबका सबसे बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है 5 अगस्त को और सब लोग दिवाली का पर्व जो है वो भी मनाएंगे। और ऐसे में प्रयागराज की जनता की बात करें, पूरे देश की जनता की बात करें, सभी लोग बेहद खुश हैं और सभी को अब इंतजार है तो 5 अगस्त का। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आफ्रिदा, लाइव टुडे प्रयागराज।